पेश है मुमरा का आलीशान ढाबा, जहां का स्वाद आपको छू जाए और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां पर क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। स्पेशल डिश में पाए चिकन अचारी ड्राई, चिकन हाउसिंग ड्राई, सलोनी ड्राई, हफ्सा राइस और भी लजीज पकवान, बेवरेज आइसक्रीम और फालूदा, फ्री होम डिलीवरी। इसके अलावा दस्तरखान, फैमिली रूम, वलीमा और बर्थडे सेलिब्रेशन स्पेस अवेलेबल। तो आज ही आए आलीशान फैमिली ढाबा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हाजियों को ले जा रही एक निजी बस पर कुछ युवकों ने पत्थरबाजी की, जिसमें कई लोग घायल होने की खबर भी सामने आई है। बस में सवार लोगों का ऐसा कहना है कि किसी से कुछ भी विवाद नहीं हुआ था, अचानक से पत्थरों से हमला किया गया। इसके अलावा हाजियों को ले जा रही बस के पीछे भी एक रोडवेज की बस में भी इन लोगों ने पत्थरबाजी की है, जिसमें कंडक्टर से मारपीट भी की गई है। ये मामला राजस्थान के कोटा का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थाना अधिकारी गंगा सहाय ने बताया है कि एक निजी बस कोटा से हाजियों को लेकर ये बस जयपुर के लिए रवाना हुई थी और इसी दौरान केनाल रोड पर केशव राय पाट चौराहे पर बाइक से जा रहे कुछ युवकों और हाजियों की बस से जो है ये बाइक जो है अड़ गई और इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और बाइक में सवार युवकों ने हाजियों से भरी बस में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, पत्थरबाजी भी की है। बस के कांच वगैरह टूट गए हैं और कई लोगों के इसमें चोट लगने की भी खबर सामने आई है। हाजियों के बस के पीछे एक रोडवेज की बस भी खड़ी थी, उसमें भी इन लोगों ने तोड़फोड़ की और कंडक्टर से भी मारपीट की है। हालांकि पुलिस को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, मौके पर पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर 6 लोगों को हिरासत में लिया है। हाजियों को ले जा रही निजी बस में सवार यात्रियों और ड्राइवर और रोडवेज बस ड्राइवर ने तहरीर दी है। निजी बस ड्राइवर की शिकायत पर 307 और रोडवेज बस ड्राइवर की शिकायत पर मारपीट और राजकार्य में बाधा पहुंचाने का पुलिस ने मामला यहां पर दर्ज कर लिया है। गाड़ी निकली है और अभी तक रुका हुआ, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कम से कम 2 सवारी के लगी हुई है। मैं सरकारी ड्राइवर हूं और मेरे कंडक्टर को 4 जने ने पीटा था, अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। जोधपुर के लिए मारपीट बहुत सारी गाड़ियों के साथ हुई है। जोधपुर के लिए जा रहे थे, कम से कम 60-65 सवारी भरी हुई है, पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है। पुलिस की मिली भक्ति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदू माली, जिला अजमेर, गांव तबीजी।